अपना टाइम आएगा, ये एक ऐसा डायलॉग है जो हर इंसान को उसके बुरे वक्त में आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। उसको ये बताता है कि जो भी है बीत जाएगा और उसके बाद अपना टाइम आएगा। इसी टैगलाइन के साथ एक फिल्म आ रही है गली बॉय, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल्स में दिखेंगे। इस फिल्म की कहानी मुंबई बेस्ड रैपर्स की है, जिन्होंने अपना सफर स्लम्स और झुग्गियों से शुरू करा था, लेकिन आज वो सब अपने लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग जगह बना चुके हैं। उनका सफर इतना प्रेरणादायक रहा कि उस पर बॉलीवुड डायरेक्टर जोया अख्तर ने फिल्म बनाने का फैसला करा। कई स्पेकुलेशंस ये हैं कि ये फिल्म डिवाइन और नेजी की कहानी पर बनी है। ये सब शुरू होता है 5 साल पहले से, जब नेजी ने यूट्यूब पर आफत गाना अपलोड करा। अपलोड करने के बाद इस गाने पर जोया अख्तर का ध्यान गया और तभी जोया को किसी ने नेजी की पूरी कहानी बताई। जोया को उनकी कहानी बहुत पसंद आई। फिर जोया अख्तर ने मुंबई जाकर अंडरग्राउंड रैप म्यूजिक को और नजदीक से परखा। वहीं उनकी मुलाकात एमिवे बंटाए और डिवाइन से भी हुई। उन्होंने डिवाइन की भी कहानी जानी। डिवाइन, नेजी, एमिवे और दूसरे हिप हॉप आर्टिस्ट की कहानी लगभग एक जैसी ही थी। मैं पहले ही एमिवे की जिंदगी की स्टोरी पर एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ डिवाइन और नेजी की जिंदगी की बात करूंगा। अगर आपने एमिवे की बायोग्राफी अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। नेजी यानी नावेज शेख की परवरिश मुंबई के कुर्ला वेस्ट में हुई थी। उनके पिता काम के सिलसिले में दुबई रहा करते थे और यहाँ हिंदुस्तान में नेजी अपने चौल के दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करते थे। दूसरों को तंग करना इनकी रोज की आदत हो गई थी। दुकानों से छोटी छोटी चीजें चुराने से लेकर खिड़कियों के कांच तोड़ने तक ये बहुत शैतानी करते थे। सही मायनों में कहा जाए तो इनकी संगत सही नहीं थी और इसी कारण वो एक दिन अरेस्ट भी किए गए। अरेस्ट होने के बाद जब उनकी माँ को पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि जिस राह पर तू चल रहा है उसकी मंजिल सही नहीं है। इसी समय से नावेद ने लिखना शुरू करा। दोस्तों से दूसरे देशों के बड़े बड़े रैपर्स के बारे में पता चला तो यहीं से उन्होंने रैप गाने लिखने भी शुरू करे। इसी बीच नावेद के पिता ने दुबई से उनके लिए एक आईपैड भिजवाया। इसी आईपैड पर उन्होंने गाने लिखने से गाने एडिट करने तक सब कुछ करा। धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब पर गाने अपलोड करने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर डिवाइन यानी विवेन फर्नांडेस मुंबई की गलियों में खुशियां तलाश रहे थे। विवेन के पिता बचपन में नशे की हालत में उनके बीवी बच्चों पर अपना गुस्सा उतारते थे। उनकी माँ तभी दूसरे देश जाकर काम करने लगी ताकि कुछ पैसे कमा सके और उसके बाद से विवेन और उनके भाई को उनकी नानी ने ही अपने साथ रखा। विवेन को शुरू से ही पैसे की अहमियत बखूबी पता थी। दोस्तों के कहने पर उन्होंने रैप गाने सुने, लेकिन उसके बाद जो विवेन के सर पर रैप का शौक चढ़ा वो कभी नहीं उतरा। उन्होंने भी अपने आइडल्स की तरह इंग्लिश में रैप करना शुरू कर दिया और उन्होंने इसी के कुछ समय बाद हिंदी में भी रैप करना शुरू कर दिया। इसी के बाद जब इनकी मुंबई में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हो गई तो डिवाइन और नेजी ने मिलकर एक गाना बनाया जिसका नाम था मेरे गली में। इस गाने ने उनकी किस्मत बदल दी। ये गाना अवार्ड शो से लेकर म्यूजिक फेस्टिवल्स तक हर जगह बजा और तभी जब एक अवार्ड शो में सोनी म्यूजिक के एक एग्जीक्यूटिव ने इस गाने को सुना तो उन्होंने पहली बार में ही डिवाइन के टैलेंट को पहचान लिया और उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ डिवाइन को साइन कर लिया। ये गाना दोनों सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ था। इसके बाद से ही इन्होंने सफलता की सीढ़ी पकड़ ली और ये दोनों आज इंडियन हिप हॉप का मजबूत हिस्सा बन चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आर्टिस्ट रैप कल्चर के असल मतलब को समझते हैं। इनके मुताबिक रैप के जरिए हमारे देश में क्रांति लाई जा सकती है। यूथ को सही और गलत का मतलब समझाया जा सकता है। इनका फोकस कभी भी अपने गानों में ज्यादा गाड़ी या पैसे दिखाने का नहीं होता, बल्कि इनका फोकस होता है कि किस तरह से ये सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आपको एमिवे, डिवाइन और नेजी में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।